नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। इस वक्त एक खास खबर आ रही है सुमेरपुर से। सुमेरपुर विधानसभा चुनाव से ही लगातार कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी द्वारा सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में बाहरी प्रत्याशी को टिकट देने के बाद उसे भेजने के बाद करारी हार का सामना स्थानीय कांग्रेस को देखना पड़ रहा है, और जिसके चलते स्थानीय नेताओं में काफी रोष है। प्रत्याशी रंजू रामाउत को पार्टी से निष्कासित करने को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भी पत्र भेज दिया गया है, जिसको लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर हंगामा हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा पत्र भी वायरल हो रहा है। इससे कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पूर्व विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की आपसी गुटबाजी भी खुलकर सामने आ गई है। प्रदेश और राष्ट्रीय नेता बार बार गुटबाजी को खत्म करते हुए विधानसभा चुनाव की गलतियों को भुलाकर लोकसभा चुनाव में 25 सीटें कांग्रेस की झोली में डालने का आह्वान भी लगातार करते जा रहे हैं। मगर गत विधानसभा चुनाव में सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की ओर से कई दावेदार मैदान में थे, जो अधिकांश स्थानीय होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी की ओर से अधिकृत प्रत्याशी बनने की आस को लेकर बैठे थे। मगर केंद्रीय नेतृत्व ने सिरोही जिले के निवासी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सदस्य रंजू रामावत को मैदान में उतारा, जिसका स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विरोध भी किया था। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को भेजे पत्र में सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने डॉक्टर रंजू रामावत को निष्कासित करने की मांग उठाई है। इसका पत्र सोशल मीडिया पर भी वायरल है। अध्यक्ष को भेजे गए पत्र में यह बताया गया है कि विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं की इच्छा के विपरीत डॉक्टर रंजू रामावत को प्रत्याशी घोषित किया गया था। चुनाव में बाहरी प्रत्याशी होने के कारण कांग्रेस प्रत्याशी भारी अंतर से हारी है। साथ ही यह भी बताया गया कि पूरे प्रचार कार्य के दौरान अशोक गहलोत और सचिन पायलट का कहीं पर नाम भी नहीं लिया गया। विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद लगातार सुमेरपुर क्षेत्र में स्वयं को जबरन स्थापित करने का भी वो प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने तो इतना तक कह डाला कि रामावत की पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण आगामी लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना भी करना पड़ सकता है। पिछले 3-4 माह के दौरान रामावत की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासन करने की मांग की गई है। राष्ट्रीय सचिव हस्ताक्षर को फर्जी तो पदाधिकारी असली बता रहे हैं। सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस पदाधिकारियों समेत स्थानीय जनप्रतिनिधियों के हस्ताक्षर वाले पत्र की प्रति कांग्रेस राज्य स्तरीय पदाधिकारी के पास पहुंची, जो राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी फर्जी हस्ताक्षर पार्टी को बदनाम करने की बात के साथ कह रहे हैं, जबकि हस्ताक्षर करने वाले स्थानीय पदाधिकारी जनप्रतिनिधि हस्ताक्षर को सही बताकर इसे कार्यकर्ताओं की भावना केंद्रीय और राज्य नेतृत्व को बताने की बात कर रहे हैं। इस संबंध में स्थानीय पदाधिकारी ने बताया कि रामावत विधानसभा चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं को एक जाजम पर लाकर पार्टी हित में कार्य करने का भरोसा दिला रही थी, लेकिन अब गुटबाजी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस विधानसभा प्रत्याशी को बुजुर्गों का सम्मान तक करना नहीं आता है। इससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेसियों में पूरी तरह फूट पड़ चुकी है, जिसके चलते कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि हमें लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और इसके साथ इस खास खबर में इतना ही। और हाँ, होली रंगों का त्योहार है, प्रेम और भाईचारे का त्योहार है। होली खेले मगर शालीनता से। इसके साथ ही निर्मला राव को दीजिए इजाजत और देखते रहिए सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ।